लाशों को फिर से पहलवान बना देगा। अरे कुछ एहतराम करो, कुछ सलाम करो और फिर बाद में आराम करो। खुशबुए चमन शहजादा यमन हातिम बिनता कदम रंजा फरमाते हो। किश्तियां उनकी भी पहुंच जाती हैं किनारे तक, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। छोड़कर कहीं ना जाना बेटा। अम्मा मुझे तो हवा के झोंके की तरह हर बस्ती से गुजर जाना है। सुबह सफर, शाम सफर, इस जिंदगी का है अंजाम सफर। मगर मुझे ताज्जुब है हातिम बाबा, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? बेटा ये वो खुदाई खजाना है जो सखावत करने से और भी भरता है। ताज्जुब? क्यों तुझे यकीन नहीं आता? यकीन? यकीन तो तब आएगा कि हातिम मेरी बिगड़ी बनाएगा। अरे ये पागलों का सरदार कहां से टपक पड़ा? ले भाई तू भी ले। अरे
क्या है इसमें? अशरफियां। अशरफियां? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इससे कई गुना ज्यादा अशरफियां हैं। मेरे पास बहुत से खिदमतगार हैं, चाहे जितने मांग लो। मेरे यहाँ भी खिदमतगारों की कमी नहीं। आका, मुझे मालूम होता है कि इसकी एक कमाली डेली हो गई। बाप रे, माफ करना, मेरा मतलब है दोनों दोनों। नजरो भाई, आखिर तुम चाहते क्या हो? हातिम, मुझे दिली मसर्रत चाहिए, रूहानी खुशी चाहिए। डाल सकते हो मेरी झोली में? खुशी कोई नहीं बांट सकता, वो तो सिर्फ इंसान अपने अमाल से हासिल कर सकता है। तब तो खुदा हाफिज। खुदा। ठहरो, फिर भी हातिम वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जिससे तुम्हारा दर्द गम दूर हो सके। वादा करते हो? राय खुदा में हातिम सब कुछ दे देने के लिए ही पैदा हुआ है। तो चलो मेरे साथ मरजान आबशार पर, वहीं जाकर सुनाऊंगा तुम्हें इस दिल का अफसाना कि शमे हुस्न पर जल बुझ गया, क्यों करिए परवाना। मैं तैयार हूं। यही है वो आबशार जहां पहुंचते ही मैं लुट गया। किसी की दौलत पर डाका पड़ता है, मेरी किस्मत लूट ली गई। मगर तुम हो कौन, पहले ये तो बताओ। मैं वाली फरजमान का वलिया है, शहर खारजमान का शहजादा। मुनीर शामी? हाँ, वही बदनसीब। मैंने कहा आधा पर दे। सुनिए मेरी कहानी। एक दिन का जिक्र है कि मैं घर से शिकार खेलने के लिए निकला। देखा तो चंद लड़कियां मरजान आबशार के तालाब में नहा रही थी, जिनमें एक नहायत खूबसूरत हसीना भी थी। मेहंदी लगे हाथों से नहाया नहीं करते। वाह वाह क्या, चेयर तो पहले पूरा कर दो। मैं क्यों, हमारी लाडली जो मौजूद है यही पूरा कर दे। आई मेरी शामत। लो सुनो, मेहंदी लगे हाथों से नहाया नहीं करते, आग पानी में मेरी जान लगाया नहीं करते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर इरशाद। बदतमीज़, गुस्ताख, चले जाओ यहाँ से। सुना या नहीं, चले जाओ यहाँ से, बेहया कहीं के। हया और शराफत दोनों आपके हुस्न ने छीन ली हैं, कसूरवार मैं नहीं आप। रहने दो अपनी जबान दराजी, हम बाहर निकल कर कपड़े कैसे पहनेंगे? खुदा सलामत रखे आपकी सूरत और सीरत को, खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मदद कीजिए, मदद कीजिए।
अजनबी, मुझ पे बड़ा एहसान किया है आपने। खादिम अपने आका पर क्या एहसान कर सकता है? मैं आपकी तारीफ पूछ सकता हूँ? मैं शाह सौदागर परसुब की बेटी हुस्न बानू हूँ। और आप? शहजादा मुनीर शामी, आपका गुलाम। ऐसा कहकर मुझे ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए। हुस्न बानू, तुम सचमुच हुस्न की मलिका हो। हुस्न बानू, मगर हुस्न बानो, मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता, मुझे भूल जाइए। अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। नहीं नहीं, मुझे भूल जाइए, मुझे भूल जाइए। मगर क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और इस तरह वो मुझे छोड़कर चली गई। जमीन तू ही लबे गौर से इतना कह दे, आ मेरी गोद में गर कोई ठिकाना न रहा। लेकिन तुम हुस्न बानू के वालिद को जाकर क्यों नहीं मिले? मैं सौदागर बरजख के पास फौरन पहुंचा, मगर उसने भी मजबूरी बताकर इनकार कर दिया। कोई वजह? जानना चाहते हैं आप, तो आपको मेरे साथ शामी बाग जाना होगा। मैं तैयार हूँ। और मैं भी ताबेदार हूँ। नहीं नहीं, आप अकेले ही। अरे भाई, मुझे साथ ले चलिए, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। हाँ नजरू, हाँ। मैं अकेला ही शामी बाग जाऊँ? नहीं 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 आका, मैं तो आपको खुदा के यहाँ भी अकेला नहीं जाने दूंगा। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मुची यही कहा करते थे कि अरे अरे कहाँ हो तुम? ओह अरे सुनो, अरे कम अज कम मेरे उस्ताद की बात तो सुनते जाओ। अरे ठहरो, हम शाह सौदागर बरजौक से मिलने आए, जाओ अपने मालिक को खबर कर दो। यो मुनीर शामी यू को मुनीरी वासी जहां बात हो ये हुकुम या बाना बरजौक सौदागरी को खाना मुनीर शामी नवा टुवा के वकील हम तो मोटा मोटा हपा सिंह में वासी ने यहां बात हो। ए शहजादा यमन हातिम ताई। हातिम ताई हुई हो जवल्ला किसी हतुन हबारी जमेई वाला जमेई वाला वंडे मुंबई बुआन वाको ए वल्ला वंडे नहीं हाया नजरू क्या है? माफ करना, क्या अगर तू वक्त पर नहीं आता तो आप दोनों जन्नत मकान हो जाते। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सही कहा था कि खोटा सिक्का और नालायक बेटा दोनों वक्त पर काम आते हैं। आपको मालूम है वो क्या कह रहा था? नहीं तो? वो कह रहा था कि मुनीर शामी के साथ कोई भी आए उन सबका सफाया कर दो, ये उसके आका का हुक्म था। कुछ भी हो नजरू, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। बस आका, एक यही मेरी तमन्ना थी। टुंडे टुंडे माफ करना, चलिए चलिए, मैं वही जुबान बोल रहा आमदेद शहजादा यमन। मरहबा आका शामी बाग। शहजादा मुनीर खुश आमदेद। आइए, यह किस्मत कि आपने कदम रंजा फरमाया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैं परवरदिगार का शुक्र बजा लाता हूँ कि मेरे गुलामों की वजह से आपकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना मैं दोबारा गुनहगार बन जाता। दोबारा गुनहगार? हाँ शहजादे, ये गमगीन दास्तान है, सुनोगे तो महसूस करोगे कि किस तरह मेरे गुनाहों का फल
मेरी औलाद को भी भुगतना पड़ा। फरमाइए। आइए, आप भी तशरीफ लाइए। अब मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं कि जिसे देखकर इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। इस बुत को अच्छी तरह देख लो। जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। किसी जमाने में ये भी एक चलती फिरती जिंदगी थी। हाय, यानी कि इंसान थी? नहीं, परिजात थी। इसका नाम गुलनार था। तो फिर क्या करिश्मा हुआ जो ये पत्थर बन गई? ये एक रात की कहानी है। खाने के बाद मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया। बहुत थका हुआ था, नींद आ गई और मैं यूं ही बैठे बैठे सो गया। के साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। परी की खूबसूरती देखकर मैं अपने होश और हवास खो बैठा। दिल ने चाहा कि एक बार, सिर्फ एक बार उसे अपनी आगोश में ले लूं। जब उसने मुझे देखा तो वो डर गई। उसने पीछे हटना शुरू किया। वो भागने लगी। मैंने उसे पकड़ लिया, मगर यकायक उसका बदन कांपने लगा। कुछ तब्दीली होने लगी। मैं पीछे हट गया। मैंने अपने किए हुए गुनाह का नतीजा देखा। परी के नीचे का धड़ पत्थर का होने लगा। आंखें भर आईं और दर्द भरी आवाज में बोलने लगी, आदम साहब, तूने परी को बदनीयती से छुआ, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। मगर याद रहे ऐ पतनजर, तू भी सुखी न रहेगा। रहम 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 परिजात। गुलनार परी की बद्दुआ है, जब तेरी बेटी किसी मर्द से शादी करेगी और वो उसे प्यार करने जाएगा तो उस वक्त वो मेरी तरह पत्थर हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो परिजात। हवस के शौक में मैं अपने आप को भूल बैठा था। टूटे हुए दिल से जो बद्दुआ निकलती है पूरी होकर ही रहती है। नहीं नहीं, और इसी वजह से मैं अपनी प्यारी बेटी की शादी
किसी से भी नहीं करा सकता। मगर आपने बददुआ से बचने की कोई भी कोशिश नहीं की? मैंने दुनिया के मशहूर नजूमियों को इकट्ठा किया, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता? वो देखिए। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नेकी कर और दरिया में डाल, करेगा वैसा भरेगा। सच्चे को हमेशा राहत है, कोई निराह की खबर। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती, हमाम बादगर्द की खबर। नजूमियों ने यह कहा था कि इन सात सवालों का जवाब सही मिलते ही पत्थर की जगह गुलनार परी अपनी असली सूरत में आ जाएगी, और फिर वो दी हुई बददुआ भी मेरी बेटी से दूर हो जाएगी। तो मैं इन सवालों का जवाब ला देने को तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक शर्त पर। एक नहीं, 100 शर्त मंजूर है। तो सुनिए, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो शहजादी हुस्न बानो की शादी मुझसे नहीं बल्कि आका, आप खामखा मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? नजरू, बल्कि मेरे दोस्त मुनीर शामी से होगी। मंजूर है, बखुदा मंजूर है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज हातिम। आपकी वापसी तक शहजादा मुनीर हमारा मेहमान रहेगा। बंदा आपका एहसान मंद है। एहसान खुदा का। चल नजरू, तू मेरे साथ ही रहेगा। सर के बल आका, खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची यही कहा करते थे कि मुसीबत अकेली नहीं आती और दुल्हन अकेली नहीं जाती। नजरू। हाँ काय नजरू। कई कोस चलते रहे मगर पहले सवाल का भी जवाब नहीं मिला। खुदा बख्शे, उस्ताद फजलू मुझकी यही कहा करते थे कि जितने कदम आगे बढ़ाओगे मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। या खुदा, ये क्या करिश्मा है? आका, मुझे मजबूत पकड़ के रखना, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। जादू, मुझदा, कमाल। या मजूर अजायब, सर हाजर और धड़ गायब। अरे मारे आता, ये तो जलपरियां हैं। ओ जाने वाले, इस तरफ भी देखना मुंह फेर कर, पूछ ले हम क्यों खड़े हैं तेरा रास्ता घेर कर। आका, वो जलपरियां हमें बुला रही हैं, चलिए ना। नजरू, संभल कर कदम बढ़ाना लाजमी है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैं खुशी की वो खड़ी हूँ, दूर कर दे रंजो गम। कदर कर, ठुकरा नहीं, दिल से मिला ले दिल सनम। आका, अब इन बिचारियों को ज्यादा तड़पना अच्छा नहीं लगता। खुदा बख्शे, उस्ताद फजलू मोची ने सच कहा था कि जब बुलाए औरत तुझको और आंखें हो जाए चार, तो रख दे सर हथेली पर और बेटा हो जा तू निसार। नजरू, ठहरो नजरू। भी
तशरीफ रखिए। खूबसूरत आदमजा, मेरे करीब बैठो ना। तुम्हारी शान के काबिल ये दिल है, तुम आ रहे हो इसमें। ये वो मंजिल है जिसको मंजिले जानाना कहते हैं। कम से कम अपना नाम तो बता दो। हातिम ताई, खुदा का बंदा, कौल का पक्का और ईमान का सच्चा। हातिम, किसी का दिल तोड़ना किस मजहब में लिखा है? ईमान की दीवार को गिराना किस मजहब में लिखा है? अजीबो गरीब इंसान हो तुम। वो दिल जिस पे कुर्बान हो सारी कायनात, वल्लाह ऐसी नियमत को ठुकरा रहे हो तुम। मानो या न मानो, ओ, मैं सच कहता हूँ, खुदा बख्शे फजलू मोची। मेरे उस्ताद का नाम है। ये मोची क्या है? अजी मोची, अजी मोची उसको कहते हैं जो उधड़ी हुई तकदीर को भी सीधे। जभी तो हम सब उसके शागिर्द हुए हैं। कान कान फिर पूछो। कान का जी, नूरा गंजा और नथू लंगड़ा, बदरू तेली और मैं नजरू धोबी। ये धोबी क्या होता है? फिर से पूछो। ये धोबी क्या होता है? जी आदमियों की जुबान में शहजादे को कहते हैं। क्या तुम कोई शहजादे हो? नहीं तो मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ? नहीं नहीं, तुम ही कहो कि मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ। धोबी शहजादा। सच कहा तुम। न जाने क्यों कोई गायबी ताकत मुझे उस तरफ खींच रही है। ठहरो हातिम। मुझे कुछ थकन से महसूस हो रही है। तो आओ उस जगह पे आराम करें। अगर हर्ज न हो तो चंद घड़ियों के लिए मुझे उस तख्त पर बैठने दो। किया हातिम, इस तख्त पर तो मैं उसे बिठाया करती हूँ जिससे मेरा जी भर जाता है और फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं रहती। मेरे बाप क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। अरे मुझे देखो, संभालो। अरे देखो। अरे बचाओ, मेरे बाप। अरे मुझे देखो, अरे बचाओ, बचाओ। ओ बाप रे, ओ बाप रे। आका, ये सब कुछ क्या हुआ था? ये हमारा पहला इम्तिहान था। ओ, ये मुसीबत तो फिर आ गई। हातिम, एक बार तो मेरे दिल की लगी पूरी हो जाने देते। आंखों में अश्के ना जो मेरी पा रहे हो तुम,
सच मानो मुझ पे इस तरह से छा रहे हो तुम। मेरे बाबा माफ करो, खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मुची सच कहते थे कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाया नहीं करते। चलिए चलिए आका चलिए। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है, बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। किस तरह भूलेगा दिल तेरा ख्याल आया हुआ, जा कभी सकता नहीं शीशे में बाल आया हुआ। निहाल अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम दीवाने हो, शमा परवाने जलाने के लिए जलती है, मगर मैं जिसके लिए परवाना बनी हूँ, अफसोस वो शमा मुझसे दूर हो गई है। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। नजरू खुदा का शुक्र है हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया। ये बदनसीब आदमी शोला परी की हवस का शिकार हुआ है। हवस एक ऐसी प्यास है नजरू, जितना इसे बुझाया जाता है उतना ही भड़कती है। अंजाम यह होता है कि खुद तो बुझती नहीं मगर बुझाने वाले को जलाकर खाक कर देती है। सवाल का जवाब पा लिया है। मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। कभी तो गुलनार परी के सर में जान आ गई है। गुलनार, गुलनार तेरा धड़ असली हालत में क्यों नहीं आता? मालूम होता है जैसे जैसे जवाब मिलते जाएंगे गुलनार परी अपनी असली शक्ल में आती जाएगी। और जब 7 सवाल पूरे हो जाएंगे तो हातिम की बदौलत हमारी किस्मत भी खुल जाएगी और फिर मैं भी अपने मुल्क जा सकूंगी। आमीन। बाप रे, पापा देखिए जूतों ने भी दम तोड़ दिया, पेट ने हिम्मत छोड़ दी और दिमाग भी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा है। अब लाए भी तो कहां, जहां फल फूल तो छोड़िए खाने के लिए पत्ते तक नहीं। हिम्मत ना हार ना, बैठ जा थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सच कहा था कि थके हुए आदमी को इतना समझना चाहिए साया मिले या ना मिले पर बैठ जाना चाहिए। ये दर्द बोल रहे हैं क्या? आप हट जाइए, अपनी जिंदगी चाहते तो चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
कमाल है, कमाल है। आज तक अपने को पता नहीं था कि खामखा हवा में हाथ पैर घुमाने से दुश्मन सफाचित मैदान हो जाते हैं। नजरों जी, जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अच्छा राज? सच कहा आदमदार, गुलनार परी तुम यहाँ कैसे? आका मैं परी नहीं, आपका गुलाम नजरू धोबी हूँ। नजरू धोबी? चुप रह, मैं तुझसे नहीं पूछता, इनसे। किनसे? किनसे किनसे? ये कौन सी नई मुसीबत है? आका यहाँ तो कुछ भी नहीं, न परी है न परा है। वो देखिए वो सामने एक सूखा दरख्त खड़ा है। जवाब दो, तुम यहाँ कैसे? आका मैं गुलनार परी नहीं हूँ, उसकी हमशक्ल पहन हुस्ना परी हूँ। मैंने ही तुम्हारी मदद करके उन जिन्नात को भगाया है। ओ, मैं आपका एहसान मानता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर आप कौन हैं? यमन का शहजादा हातिम ताई। ये तो मैं कभी से जानता हूँ। खामोश, दखल अंदाजी मत कर। तुम मेरी प्यारी और खोई हुई बहन को कैसे पहचानते हो? वो तो एक अजीब गरीब दास्तान है। दास्तान? तो सुना दो मुझे, वो क्या हकीकत है? मैं अपनी प्यारी बहन की जुदाई में दिन रात हम सदा। चलिए मेरे साथ। शौक से चलिए। आका, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब तक हम दोनों वापस ना आ जाए तुम इसी पत्थर पर बैठे रहना। जी शुक्रिया। हरगिज उठने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। जी मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। लेकिन आका, ये मैं किससे बातें कर रहा हूँ? मुझसे? गुलनार परी। आका ये तो पत्थर से परी बन गई, मुसीबत से छूटे। चलो अपने घर चले। नजरों, ये गुलनार परी नहीं, उसकी हम शक्ल बहन हुस्ना परी है। बहन है तो मरे तो इसके भी सात सवाल पूरे करने पड़ेंगे। आका अगर यूं ही जिंदगी भर सवाल पूरे करते रहे तो हम खुद एक सवाल बन जाएंगे। खामोश। तो ये बात, अफसोस आदमजात की हवस ने मेरी भोली भाली बहन का यह हाल किया। फिर भी अगर मैं सातों सवालों के जवाब पाने में कामयाब हो गया तो गुलनार परी तुम्हें वापस मिल जाएगी। खुदा ने चाहा तो तुम जरूर कामयाब होकर ही रहोगे हातिम। इस नेक काम में मैं भी तुम्हारी मदद करती रहूंगी। हातिम, तुम तो आदम की शक्ल में गोया एक फरिश्ता हो। और तुम हुस्ना, परी की शक्ल रखते हुए भी अपने सीने में कितना नरम दिल रखती हो। इस तरह मेरी आंखों में बस गई हो कि अब मुझे तुम्हारे सिवा अपना कोई नजर नहीं आता। नजर झूमता है प्यार, झूमती है नजर झूमता है प्यार। ये नजर छीन कर ले गई करार, ये नजर छीन कर ले गई करार। झूमती है नजर झूमता है प्यार। Thank you.
ये नजर छीन कर ले गई करार, झूमती है नजर झूमता है प्यार। मैं तेरे हुस्न के गीत गाऊंगा, इश्क की आरज़ू लब पे लाऊंगा, मैं तुझे धड़कनों में बसाऊंगा। एक है दिल जिसमें है हसरते हजार, ये नजर छीन कर ले गई करार, झूमती है नजर झूमता है प्यार। नजर छीन कर ले गई करार, झूमती है नजर झूमता है प्यार। तुम हमें हम तुम्हें देखते रहे, तुम हमें हम तुम्हें देखते रहे, हाल दिल हो अयाल अब न कुछ कहे, हाल दिल हो अयाल अब न कुछ कहे, मिलके हम प्यार की मौजों में बहे। आ जरा छेड़ दे दिल से दिल के तार, ये नजर छीन कर ले गई करार, झूमती है नजर झूमता है प्यार। ओ, ओ, इतना पसीना आ रहा है कि पूछो मत। चलो मियाँ नजरू, यहाँ तो कोई नहीं, चलो। देखो, अगर तुम लोग नहीं मानोगे ना तो मैं वो ट्र वाले को बुलाऊंगा जो तुम्हारे कर देगी। मैं बोल देता हूँ, मैं नजदीक मत आओ। अरे तुम बचाओ, भाग गए। आप शुक्रिया शुक्रिया, बड़े अच्छे मौके पर आप आए। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे बचाकर मेरे आका पे बड़ा एहसान किया है। तो अब इजाजत है मलका हुस्न। अलविदा हातिम, अब तुम मगरबी रास्ते की तरफ कदम बढ़ाओ। खुदा ने चाहा तो तुम्हारे दूसरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलो नजर, चलिए। ओहो आका, पैरों का कचूमर हो गया है, कम से कम सवारी के लिए दो घोड़े मिल जाए ना तो बड़ा आराम हो जाए। अच्छा तो लो। कमाल है कमाल है। लो, तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई। आका, ये तो आपसे भी सखी दाता निकली। अगर एतराज ना हो तो मैं कुछ और मांग लूं। शौक से। तो सुनिए, मुझे भूख लगी है, मुझे नान रोटी कबाब चाहिए और थोड़ा सा पनीर और बसरे की खजूर, ईरान के अंगूर। नजरो। अच्छा, और जो आप मंगाए वो चलेगा, सिर्फ पानी मंगाना। आगे जल्दी आइए, जल्दी आइए आका।
ऐसे मालूम होता है कि शाही दस्तरखान में बैठ के खाना खाते हैं। पानी भी, पानी भी बना लूंगे। अरे वाह कमाल, वाह क्या लज्जतदार काम है। ये जगह से काम खाए, वाह देखिए एक साल का बंदा कर दिया भी जाएगा। ये जायकेदार कबाब कहाँ? हम ये मीठे खजूर कहाँ? ओहो ये खुशबूदार अंगूर कहाँ? बाबा क्या गायका है, क्या खुशबू है। शुक्र है जिसने हमें इतने खाने खिलाया, तू भी उसको ज्यादा खाने खिला दे। जब पेट में पड़े दाने तो दिमाग लगा तरकी में बताने। पूछिए क्या क्या। सुनिए हम आगे तो बढ़ रहे हैं मगर न खंजर है न तलवार, अगर कोई मुसीबत गले पड़ी तो उसका मुकाबला कैसे करें। अच्छा तो ये फिक्र भी दूर किए देती। कमाल कमाल। देखिए आका अब कौन कह सकता है कि मैं नजरू धोबी हूँ। अरे मैं तो अमीर हूँ अमीर। नहीं नहीं मैं सुल्तान हूँ। अरे नहीं वो भी छोटा आदमी, मैं तो शहनशाह हूँ शहनशाह। आइए मेरे साथ। हुस्ना मेरा काम पूरा हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाकर यमन ले चलूंगा। खुदा हाफिज। आका चलिए। आया नजरू। ये कहा आप क्यों रुक गए आका? नजरू वो देख। नेकी कर दरिया में डाल। आका ये तो आपका दूसरा सवाल है। बता देश की कीमत खजाना कहाँ है? ओ मेरे बाप वहां तो मार पिटाई हो रही है। दिलेर अजनबी आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे बड़ा एहसान किया, आपका इस्म शरीफ। अरे मेरे आका को कौन नहीं जानता, शहजादे यमन। हातिम ताई जी। माफ करना आप बड़े समझदार हैं। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए इन दीवारों पर लिखे हुए नेकी कर दरिया में डाल इसका क्या राज है। ये मैंने ही लिखा हातिम। अगर एतराज ना हो तो एक बात पूछूं। हाँ हाँ बड़े शौक से। आप इतने ज़हीब दरवेश होकर तलवार भी चला सकते हैं? हाँ मैं एक जमाने में बड़ा खतरनाक डाकू था। ओ बाप आबिद सितमगर। आका डाकू तो इधर है, हमने गलती से किसी शरीफ आदमी को पीट दिया है। नजरू आप अपनी कहानी जारी रखिए। जिस खंडर को आप टूटी फूटी हालत में देख रहे हैं
ये पहले मेरा शानदार अड्डा था। और देखो सरदार, आपने बहादुरी दिखाकर सौदागर के सीने में मौका पाकर खंजर न चलाया होता तो आज सब हम उसके सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो जाते। अब्दुल्ला, मैं इंसान तो क्या, खुदा से भी नहीं डरता। अजीज, सोता है क्या? कहाँ है वो नान? जल्दी लाओ। लाया जी, लाया। ये आया। अब्दुल्ला, ऐश करो, आज की खुशी तुम सबकी बहार है और रोज के शौक को मेरा इंतजार है। मेरे सीने में रहम और करम ने तो घर ही नहीं किया था। बच्चों और औरतों पे तलवार चलाते वक्त मेरे दिल में दुख होने की बजाय मुंह पर खुशी रहती थी। एक दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, एक अजीब सा ख्वाब देखा। दो शैतान सूरत हस्तियों ने आकर मुझे जगाया और जबरदस्ती मुझे आसमान की तरफ उठा ले गए। नापाक इंसान को जहन्नम की गार में, ताकि कयामत तक दोज़ख की आग में जलता रहे। ठहर जाओ। नेकी, तुम क्यों दखल दे रही हो? परवरदिगार के हुक्म से मैं यहाँ आई हूँ। किस लिए? ये कहने कि आप भी चाहे लाख बुरा है, ये दोज़खी आग में जलने के काबिल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसने कोई सवाब का काम भी किया है। इसका सबूत? नीलम नदी में बसने वाली मछलियों को यह हर रोज खाना खिलाया करता था और खुदा की बनाई हुई जिंदगी से प्यार करने वाला खुदा को हमेशा प्यारा होता है। सच है नेकी। आबिद, खुदा के इंसाफ की दाद दे और खुदा का बंदा हो जा, जिसके रहम और करम ने तुझे जहन्नम की आग से बचा लिया। फेंक दो इसे दुनिया में। उसी रोज से मैंने डाका डालना छोड़ दिया। खुदा ताला ने ऐन वक्त पे मेरी आंखें खोल दी और मैंने इबादत में जिंदगी बसर करना शुरू किया। सरदार, इबादत बहुत हो चुकी है, काफला करीब आ रहा है, खजाना हाथ से निकल जाएगा। अब्दुल्ला, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा दिल अब डाका जनी से इंकार करता है। ओह, अगर यही बात है तो आज से तुम हमारे सरदार नहीं हो। दोस्तों, चलो जल्दी आओ। दोस्तों, अब इस खजाने पर बुजदिल आबिद का कोई हक नहीं रहा। ले चलो जो कुछ हाथ लगे। उस दिल कहीं का। यही डाकुओं का सरदार अब्दुल्ला, जो पहले मेरे कदमों की खाक चूमता था, इसे ये बदगुमानी थी कि मैंने कहीं और भी खजाना छुपा रखा है, इसीलिए बार बार मुझे मारता और पीटता था। आज फिर अपने साथियों के हमरा मुझ पर हमला कर दिया, मगर आपने मौके पे पहुंचकर मुझे बचा लिया। खुदा बख्शे, उस्ताद फजलू मोची ने सच कहा था
कि शाम का भूला अगर सुबह को अपने अड्डे पर आ जाए तो उसे डाकू नहीं कहा जाता। नजरो, नेकी कर और दरिया में डाल। आबिद, नेकी का फल कभी जाया नहीं जाता। नेकी की एक छोटी सी किरण में इतनी ताकत रहती है कि वो घोर अंधेरे को भी दूर कर देती है, फिर बड़े से बड़ा गुनाहगार निजात का उम्मीदवार बन जाता है। चलो नजरो, खुदा के फजल और करम से हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। खुदा हाफिज। खुदा निगहबान। खुदा हाफिज। खुदा निगहबान। माशाल्लाह, हातिम ने दूसरे सवाल का जवाब भी पा लिया। उसने किया भजन, गुल्ला के पर भी असली हालत में आ गए। हातिम का अल्लाह निगेबान है। नजरू, वो देख, करेगा वैसा भरे। आका, ये तो अपना तीसरा सवाल है। चलो देखें। चलिए चलिए। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सही कहा था कि बेटा करेगा वैसा भरेगा, पसीने की रोटी नहीं खाई तो पछता पछता के मरेगा। चुप। चलो मेरे साथ। ओ मेरी माँ, अरे बचाओ, अरे कोई आओ, अरे छोड़ो, अरे भाई, क्या गलती है मारी, अरे कोई गलती तो बताओ, अरे आप छोड़ दो, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाप रे, अरे कहाँ ले जा रहे हो, अरे कहाँ ले जा रहे हो, आका, अरे आका, बहुत ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गए ना, अरे कुछ बचाओ। आका, इस बिगड़ी हुई कौम में हम कहां आके फंस गए। कौन हो तुम? आदमजाद। नाम क्या है? हातिम बिन ताई, बंदे खुदा। काम क्या है? हक परस्ती। आदम जबान चलाना खूब जानता है, मगर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो बुजदिल, खुदगरज और गुनहगार साबित होता है। फिर भी खुदा ने आदम को वो ताकत बख्शी है जिसके सही इस्तेमाल से खुदा खुद बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। ओ, तो सबसे पहले हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, पता चलेगा तुम्हारी हकीकत क्या है। बड़े शौक से, तुम जिस तरह चाहो इम्तिहान ले सकती हो। छोड़ दो इन्हें। बड़ी मेहरबानी, जिन तो भाई आप इस तरह खामोश क्यों हैं? आपकी ये खामोशी मेरे लिए इम्तिहान से कम नहीं। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना नहीं चाहती। मगर क्यों नहीं? ना जाने क्यों, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं चाहती तुम जैसा नेक दिल आदमी मेरी गलतियों का शिकार। तुम्हारी गलतियां? तुम तो नेक दिल का सबूत दे रही हो। तमन्ना है ये नेक सूरत भी देख ले, जरा पर्दा तो हटा ले। नहीं नहीं, तुम्हारी जिद का अंजाम बुरा होगा। कुछ भी हो, हातिम को हर अंजाम कबूल है। देखो अपनी जिद का नतीजा। तो
पूरा हुआ तुम्हारा अरमान? ठहरो बानू, अब तो यहां से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जरूर इस बदसूरती के पर्दे में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। खुदा के वास्ते मुझे बता दो। हातिम, मैं असल में शहर तबिस्तान की मलका गुलबदन। एक दिन शिकार खेलते हुए मैंने एक रिचनी के बच्चे की जान ले ली। रिचनी ने बद्दुआ दी, मेरा ये हाल हो गया। मगर इस बद्दुआ से बचने के लिए जरूर कोई रास्ता होगा। रिचनी ने मेरी इल्तिजा सुनकर कहा, जब तक कोई पाकीज़ा इंसान मेरे खून से जहर ना चूस लेगा, मैं इसी हाल में रहूंगी। बहुत से आदमियों को मैंने अपना खून पीने पर मजबूर किया, मगर वो सब पहला कतरा चखते ही मर गए। अगर खुदा को मेरा जीना मंजूर है तो जहर को शीरी बनाना उसे कब दूर है। नहीं नहीं आते, तुम चले जाओ, मैं अपनी किस्मत पर एक जमाना और रो लूंगी। हातिम का वादा पत्थर की लकीर। जो चाहो सो मांगना, मैं तुम्हारी कनीज बनने को तैयार हूँ। नहीं नहीं गुलबदन, उठो। हातिम आजादी का शहदा है, तुम मेरी कनीज नहीं, मेरी बहन हो। बहन? हाँ, तुमने अपने गुनाहों का कफारा अदा किया है, इससे ज्यादा खुदा भी कुछ नहीं चाहता। अब मैं उन रोशन दफ्तरों के करीब बहुत बड़ी यादगार काम करूंगी, ताकि वहां सब लोग मेरी कहानी सुनकर ये सबक हासिल करेगा, पैसा भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। हातिम ने तीसरा सवाल भी पूरा कर लिया। बहार, हाय आ गई बहार।
कसम, तेरी कसम, आज मेरा दिल हुआ गुलजार। आ गई बहार, हाय आ गई बहार, आ गई बहार, हाय आ गई बहार। हो 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 गुलबदन, मुझे चौथा सवाल हल करने के लिए जाना चाहिए। इजाजत दो। अलविदा हाथी, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। अरे नजरू कहां चला गया? नजरू, अरे ओ नजरू, मुझसे आप मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि तेरे बारे में जो कुछ परीजादों ने कहा वो सही निकला। एक परी होकर आदमजात से मोहब्बत करती है। जब तक मैं उस आदमजात को सजा न दे दूं, तब तक तुझे इसी तरह रहना होगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म न कीजिए, ऐसा न कीजिए अब्बा जान। अब्बा जुल्म, मेरे आपा पर रहम कीजिए ना। ये रहम के काबिल नहीं है। चलो। आपा, कितना भयानक जंगल है। ओ मेरी माँ, कितनी डरावनी रात है। कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए कहीं आराम करेंगे। आपा मेरी बात सुनिए। कांटे कांटे संभाल। जरा सोच समझ के चलिए। मुझे ऐसे महसूस होता है कि आपके पीछे कोई आ रहा है। तो बाप रे, किसकी आवाज आ रही है? ये जंगल की तरफ तो नहीं बोल रहे हैं? तेरा सोच समझ के लड़ना, नहीं तो बाकी सवाल मुझे पूरे करने पड़ेंगे। सच्चे को हमेशा राहत है, सच्चे को हमेशा राहत है, सच्चे को हमेशा राहत है। आका, ये कोई दूसरी मुसीबत मालूम होती है। डरो नहीं नजरू, खुदा पर भरोसा रखो। वो तो है, मगर अपना भरोसा नहीं। सच्चे को हमेशा राहत है। अरे एक मुसीबत से तो पीछा छूटा, ये बार बार गला फाड़ कर कौन चिल्ला रहा है कि सच्चे को हमेशा राहत है।
शत्रु आ रहे, बचो, बचो, माफ ने। गिरफ्तार कर लो इन गुनहगारों को। कौन हो तुम? शहंशाह है परिजात समरदेव। किस गुनाह पर हमें गिरफ्तार किया गया है? तुम मेरी बेटी हुस्ना परी से मोहब्बत करते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। मेरी मोहब्बत पाक है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। परिजात और आदमजात में कभी मेल नहीं हो सकता। पाकीजा मोहब्बत एक ऐसा नूर है जो खाक के जर्रे को भी आफ्ताब बना देता है। रहने दो ये शेखी। लेकिन हुजूर बादशाह सलामत, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि आपने हमको पानी में क्यों गिरफ्तार किया। देखिए ना, हमारे सारे कपड़े भीग गए। बेवकूफ, पानी से बाहर गिरफ्तार करने की ताकत मुझ में नहीं। जभी तो मैंने सच्चे को हमेशा राहत है ऐसी झूठी आवाजें दे देकर और दरख्तों को जला जला कर तुम्हें इस तालाब में घसीट लाया। अब उस नापाक को भी हाजिर करो जिसने परिजात के नाम पर ठप्पा लगाया है। आका, वो देखिए, जालिमों ने हुस्ना परी को छोटी सी बनाकर शीशे में बंद कर दिया है। तुम्हारे यहां यह भी कानून है, करे कोई और भरे कोई? ये भी उतनी ही गुनहगार है जिस कदर तुम हो। चला भाले, छलनी कर दो इन दोनों को। अब्बा हुजूर, अगर मानना है तो मुझे मार डाली। खामोश। अब्बा, इस बार तो हम पहुंच गए, सचमुच पहुंच गए, जरूर पहुंच गए। अरे भाइयों, रहम करो, रहम करो। आहिस्ता। ओ मेरी माँ। ओ ओ, शाह परिजात, शाह परिजात, शाह परिजात, शाह शाह परिजात। क्या है, क्यों दखल दे रहा है? शहंशाह परिजात, जान बख्श दी जाए तो कुछ अर्ज करूं। बोलो। शहजादा वलीहद, आपका इकलौता बेटा एकाएक अंधा हो गया। क्या बेवकूफ, अब्बा जान, अब्बा जान। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। बेटा, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरे नूरे नजर, ये क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। या खुदा, किस गुनाह का इंतकाम ले रहा है मुझसे? खुदा कभी इंतकाम नहीं लेता। तो फिर ये कह रहे खुदा क्यों? मुझे यकीन है वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान? क्यों हो? मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? इलाज क्यों नहीं करते मेरे बेटे का? शाह आलम, आपको तो पता है
कि जब किसी परीजात की आंखें चली जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। जो कोई भी मेरे बेटे की आंखें वापस ला देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, अपनी सारी सल्तनत दे दूंगा उसे। अफसोस मेरी हुकूमत में कोई ऐसा नहीं जो मेरे घर के चिराग को फिर से रोशन कर दे। मुझे एक रास्ता नजर आता है। कौन सा रास्ता? खुदा से इल्तिजा परिजात, सिर्फ इल्तिजा। आदमजाद तुम्हारी इल्तिजा से क्या हो सकता है जबकि हम परिजात कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा गुरूर खुदा को पसंद नहीं, शायद वो मेरी फरियाद सुन ले। और वो तुम्हारी फरियाद क्यों कर सुनेगा? क्योंकि आदमजात की फरियाद में सच्चाई का वो नूर होता है जिसे देखकर खुदा भी तकदीर बदलने पर मजबूर हो जाता है। हातिम को आजाद कर दिया जाए। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगार आलम नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया, में तू हमेशा बंदों के काम आया। मांगी खलील ने जब तुझसे दुआ खुदाया, आतिश को तूने फौरन एक गुलिस्तां बनाया। हर इल्तिजा ने तेरी रहमत को है उभारा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम। यूनुस को तूने मछली के पेट से निकाला, ही मुश्किलों में अय्यूब को संभाला। इलियास पर करम का तूने किया उजाला, है तो जहां में या रब तेरा ही बोलबाला। तूने सदा इलाही बिगड़ी को है सवारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम। यूसुफ को तूने मौला दी कैद से रिहाई, याकूब को दोबारा शक्ले पिसर दिखाई। बहती हुई नदी में मूसा की राह बनाई, तूने सलीब पर भी ईसा की जान बचाई। दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। सहारा
सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बेटा, मेरे बेटे। हातिम, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी बख्शी है, मुझे माफ कर दो। शाय परिजात, माफी बख्शने वाला तो सात आसमान के ऊपर बैठा है। आका, शाय जिन्नात का इम्तिहान तो खत्म हो चुका, लेकिन बेचारी उसना परी कब तक इम्तिहान देती रहेगी? अरे हाँ, हम अपनी बेटी को अभी रिहा किए देते हैं। बेटी हुस्ना, हातिम की सच्चाई और पाकीजा मोहब्बत से खुश होकर मैं तुम्हें शादी की इजाजत देता हूँ, लेकिन शादी से पहले तुम्हें जो कुर्बानी देनी होगी उसके लिए तैयार हो? अब्बा हुजूर, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है, मगर मैं शहजादी हुस्ना के साथ शादी तभी करूँगा जब सातों सवाल हल कर लूंगा, इसलिए उस वक्त तक इंतजार करना मुनासिब रहेगा। जो इरशाद, हमें इस इंतजार में राहत नसीब होगी। अल्लाह, हातिम ने चौथे सवाल का भी जवाब पा लिया। हाँ, मगर न जाने अब वो कहाँ होगा। होगा कहाँ, पांचवें सवाल का जवाब पाने गया होगा कोई निदा की खबर लाने। क्या खूबसूरत मंजर है, यहाँ हर शख्स के हाथ में भाला है और खंजर है। अरे यहाँ कोई मर गया है क्या, कुछ तो बोलो। मैंने कहा भाई, इस बस्ती का नाम क्या है? अफसोस। अफसोस भी कोई बस्ती का नाम हुआ है कभी? माफ करना। अरे तुम लोगों के चेहरे पे तो नक्शो निगार है, मगर आप लोग बोलने से क्यों बेजार हैं? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आका, ये लोग बोलते क्यों नहीं? खामोशी भी एक जबान है ना। मालूम होता है इनकी तरह आप भी बहक गए। खामोशी कोई जबान हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरे ख्याल से इनकी कोई और जुबान होना चाहिए। मैं भी पूछ कर आता हूँ क्या जुबान होना चाहिए। लो, खामोशी भी एक जुबान हो सकती है। भला खामोशी कैसे जुबान हो सकती है? खामोश है इंसान तो खामोश। अरे मैंने कहा, क्या ये कोई जिंदा लाशों वाली बस्ती है? मत बोलो, तुम्हारी मर्जी, खुदा हाफिज। हंसना बोलना हमारे नसीब में कहाँ। बोली बोली, माशाल्लाह, तुम्हारा बोलना भी क्या बोलना है, वाह 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 वाह। आदाब अमीर बस्ती, आपको भी गमगीन देखकर हमारी हैरत और बढ़ गई है। अजनबी, जब सारी की सारी बस्ती गमजदा हो तो अमीर कैसे खुश रह सकता है? मगर इस रंज गम की वजह, प्यारे अजनबी, वो सामने देखो, उस पहाड़ को कोहे निदा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोहे निदा? हाँ, वहाँ निदा नामी नापाक जिन का मुकाम है। हर महीने चांद की चौधरी को वहां से एक पुकार करता है और वो जिसे भी बुलाता है उसे जिंदा ही खा जाता है। उसे खत्म करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस फानी दुनिया में कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। ये
यह खुतबा कैसा है? हम तो जाहिल हैं, इसे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जिस दिन निदा ने पहली पुकार की थी उसी दिन यकायक इस खुतबा जमीन से पैदा हो चुका था। और ये अजीब और गरीब टुकड़े ये भी इसी के साथ जाहिर हुए थे। जिनकी किस्मत है बुलंद, मौत का कुछ डर नहीं, जुल्फ में है जोर खम, तोड़ दे मर्द हसी। जुल्फ में है तोड़ दे। अमीर बस्ती, जिनकी मौत का राज मिल गया, खुदा ने चाहा तो हातिम आपकी मुसीबतों को दूर कर दे। हातिम शहजादाए अमन, अल्लाह जब आप जैसे बाकमाल इंसान हमारे मददगार हैं तो जरूर हमें इजात हासिल होगी। बस अब मुझे सिर्फ उसकी पुकार का इंतजार है। गम ना करो, अगर आज जिन ने तुम्हारा नाम पुकारा तो हम कुर्बान हो जाएंगे। कौन किसी के लिए मरता है? अरे जनाजा निकला हो या ना निकला हो, तुम्हारी कसम नजीरा कई बार मर चुका हूँ। ये कपड़े तो बड़े खूबसूरत हैं। मगर अब पहनने को जी नहीं चाहता। तो तुम कहो तो मैं पहन लूँ। अजीब से लगोगे। अरे अजीब और गरीब तो मैं पहले से हूँ। तुम्हारी जवानी की कसम नजीरा, तुम्हें खुश करने के लिए ये कपड़े मैं पहन ही लेता हूँ। पहन लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो। दाढ़ी मारे आते। वाह, तूने तो मेरी दाढ़ी मूछ दोनों छुपा कर मुझे छोकरी बना दिया। अरे अच्छा, तो मैं अभी बाजार जाता हूँ। नहीं माफ करना, जाती हूँ। नखरे करती डरती डरती गई थी मैं बाजार, मुझे अकेली देख के जम गए लोग हजार, तो आ गया मुझे बुखार। उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, बाजार गई थी मैं बाजार गई थी, बाजार गई थी मैं बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी। बल खाती गाती इठलाती लाने गई खजूरें, बल खाती गाती इठलाती लाने गई खजूरें, शर्म के मारे मर गई मुझको दुनिया वाले घूरे, शर्म के मारे मर गई मुझको दुनिया वाले घूरे। मैं तो बनके बड़ी होशियार गई थी, मैं तो बनके बड़ी होशियार गई थी, हाय हुई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी। आगे बढ़ी तो एक हलवाई पका रहा था हलवा, आगे बढ़ी तो एक हलवाई पका रहा था हलवा, हलवाई का हलवा जल गया देख के मेरा जलवा, हाय देख के मेरा जलवा। मैं तो घूंघट में लेके अंगार गई थी, मैं तो घूंघट में लेके अंगार गई थी, हाय हुई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, हुई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी। चौराहे के मोड़ पे मुझको मिल गया एक शराबी, बीड़ी फेंक के बोला हाय हाय कहाँ चले ओ भाभी, अरे किधर चले ओ भाभी। चौराहे के मोड़ पे मुझको मिल गया एक शराबी, बीड़ी फेंक के बोला हाय हाय कहाँ चली हो भाभी, हाय कहाँ चली हो भाभी।
काहे आंखों में लेके कुमार गई थी, काहे आंखों में लेके कुमार गई थी, हाय उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी। देख के मुझको लड़ने लग गए चुम्मन चुम्मन कलवा, देख के मुझको लड़ने लग गए चुम्मन चुम्मन कलवा, मेरी खातिर चाकू चल गए शहर में हो गया बलवा, हाय शहर में हो गया बलवा, काहे करके मैं घर से सिंगार गई थी, काहे करके मैं घर से सिंगार गई थी, आए उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, बाजार गई थी मैं बाजार गई थी, बाजार गई थी मैं बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी, उई अम्मा मैं काहे को बाजार गई थी। याखी। अरे ये कौन वो माटी मिला? निदा जिन की आवाज है, वो कुर्बानी मांग रहा है। अरे कुर्बानी मांग रहा है तो दे देंगे, इसमें डरने की क्या बात है, पहले देखे तो ये कौन बहुत बड़ा पहलवान है, जरा तो सही। बस्ती के बाशिंदो, आज मैं बहुत भूखा हूँ, इसकी मैं तारीफ करूंगा, उसे शौक से खाऊंगा, जरा देख लू वो कौन नसीबदार है। लंबी लंबी दो चोटी वाली, चोटी वाली हरी ओढ़नी पहने, हरी ओढ़नी वो भी है, वो भी हरी ओढ़नी भी है, सर पर कमल का फूल लगाए, है क्या है क्या? हाँ। ओ, मरे मरे मरे, वो लड़की मेरे पास चली आए। अरे ये जिन तो तुम्हें बुला रहा है। अरे जा जा, बुलाए अपने घर वालों को। लेकिन तुम तो कुर्बानी देने वाले थे ना? हाँ हाँ, वो तो मैं था, लेकिन अब तबीयत नहीं होती है। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो जिन हम सब पर हमला कर देगा। अरे तो मेरी बला से, मैं क्या कुर्बानी का बकरा हूँ? नजरू हाँ। तुम्हें जाना ही चाहिए। ओह आका, आप भी परदेश में लाकर धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। और मेरी मोहब्बत पर भी यकीन रखो। रखा रखा। नजरू हाँ। आगे बढ़ो हाँ। मैं पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। आप आते ना जरूर, आप वादा करते ना हाँ। तो मैं जा रहा हूँ, या खुदा मदद। नजरू इस तरफ। माफ करना, मर गए, बचाना खुदा। खूबसूरत हसीना, आज हम तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं, नाचो और हमारा दिल बहलाओ। नहीं नहीं माफ करो, मेरी तरफ से अपना दिल साफ करो। क्यों? इस खूबसूरत हसीना को आपको देखकर डर लगता, इसलिए मैं नहीं नाच सकता। ओ माफ करना सकती। आका नजरू नाचो, मैं कहता हूँ नाचो नजरू। कौन है ये? जी ये मेरा दिल है जो आपका बिस्मिल है। तो फिर नाचो। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सही कहा था कि जब भी जिन बोले नाचो तो ताल ठेका कुछ भी न सोचो। ऊंचे ऊंचे महलों के दरवाजे खिड़की तोड़ के, जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सबका सर फोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए
लिए सबका सर फोड़ के वा 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 क्या क्या यार मिला मक्कार मिला आशिक ये बड़ा खूंखार मिला यार मिला मक्कार मिला आशिक ये बड़ा खूंखार मिला झूमती बहार आई मौका एक बार मिला झूमती बहार आई मौका एक बार मिला रख दे तू चोटी को मरोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सबका सर फोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सबका सर फोड़ के बाप भी कौन है तू नजर धोबी नहीं नजरा बेगम धोखा अब मैं सारे बस्ते को खा जाऊंगा अच्छा वो मर गया वो मरा जो मेरा खुशखबरी भाइयों खामोश नाचो गाओ बाजे बजाओ और निदा जिनकी मौत पर खुशियां मनाओ आंखों से अपनी बस्ती के मलकुल मौत को देख लो मरा पड़ा है सुभान अल्लाह शहजादा यमन आपके इस एहसान का शुक्रिया एहसान खुदा का जिसने मुझे हिम्मत दी और तुम्हें मुसीबतों से निजात दिलाई बोलो शहजादा यमन हातिम ताई मुआ माटी मिला मुझे खाने चला था लेकिन तुमने इसको मारा कैसे मैंने नहीं तुम्हारी मोहब्बत ने छोड़ो भी अब तो तुम मुझे भूल जाओगे नहीं नहीं नजीरा तेरी कसम मैं तुझे हरगिज नहीं भूलूंगा जैसे ही मेरे आका ने 7 सवाल पूरे किए वैसे ही उन्हें तेरी मेरी शादी का 8वां सवाल भी पूरा करना पड़ेगा दिलेश शहजादे अब आप हमारे जश्न निजात में शामिल होकर हमें खिदमत का मौका दें नहीं अमीर बस्ती मेरे लिए यही जश्न है कि आप सब मिलकर मेरे लिए दुआ करें कि मैं 6ठे और 7वें सवाल के जवाब हासिल करने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं आमीन या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र माशाल्लाह हातिम ने कोहिनिदा की भी खबर पा ली यूं समझो कि हमारी सोई किस्मत जाग उठी है अब 6ठे सवाल के जवाब का इंतजार है हाँ मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती अजी साहब आप तो चूंटी को हाथी बना रहे हैं मेरे यावर कभी झूठ नहीं बोल सकता आप बजा फरमाते हैं मेरा दोस्त तो बुद्धों का सरदार है जी पहले आप ये बताइए कमलाक जादूगर ने आपसे वो मोती किस लिए चुराया हातिम वो एक तिलस्मी मोती है जिसके पास होगा जो चाहे उसके अंदर देख सकता है और जब तक वो मोती उसके पास रहेगा वो हर जादू का मालिक होगा कमलाक एक हवसी जादूगर है जिसका मकाम हमाम बादगर्द है हमाम बादगर आका ये तो अपना आखिरी यानी 7वां सवाल है बयान जारी रखिए उस मोती के जरिए कमलाक जवान और हसीन औरतों को उठा ले जाता है और अपने महल में उन सब के नाच गानों से अपना दिल बहराता है अगर ऐसा ही है तो मैं खुद कमला के महल में जाकर उसकी हस्ती मिटा दूंगा मगर एक शर्त पर और वो शर्त जब वो मोती मुझे मिल जाए तो मैं उसे तोड़ दूंगा ताकि आइंदा कोई नाजायज फायदा ना उठा सके
खुदाई मेरी मुट्ठी में है, जहन्नम और जन्नत मेरे इशारों में आबाद है, कुदरत मेरी ताबेदार और वक्त मेरा गुलाम है, दुनिया की हर खुशी हर नेमत मेरी फरमा बदार है। गुलबदन खंदन बसन Thank you.
यही हमाम बादगर है नजरों। वाकई आहा, क्या खूब नजारा है। आका वो देखिए लड़कियां हमें बुला रही है। बिचारी जंजीरों में जकड़ी हुई है, चलो उन्हें आजाद करें। नहीं 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 आका, मुझे तो वो शोला परी वाला किस्सा याद आ रहा है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। कुछ भी हो हमें हमाम बात कर राज पाना होगा। नहीं नहीं आका, नहीं आका नहीं। चलो आका, हम लोग पानी में गिरे और यहां तक आए, लेकिन कपड़े तो अभी सूखे ही हैं। अगर दुनिया में ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तमाम धोबी बेकार हो जाएंगे और मेरा खानदानी पेशा बर्बाद हो जाएगा। नज़रू चुप रहे। चुप। आका मर गए, शायद यही जहन्नम का दरबार है। कौन हो तुम? हातिम बिन ताई। और मैं कासम नाई का सौतेला जवाई नज़रू धोबी। हमाम बाद गर्द में कदम रखने की क्यों जरूरत की? मैं जजीरा तोमान के बादशाह मेहरावर की अमानत लेने आया हूँ। यानी कि ये तिलिस्मी मोती लेने आए हैं। राइबुल जाहिर। ओ बाप रे, आका मर गए। ओ हसीन परों वाली, अब तो तू ही हमारी रखवाली कर सकती है। हसीन परों वाली, वो कौन सी चिड़िया का नाम है? अजी वो चिड़िया ऐसी है जो उकाब पंछी से भी ऊंचा उड़ सकती है, उसका नाम है हुस्ना परी। हुस्ना परी, क्या तुम उसे जानते हो? जानते हैं? अजी आप क्या पूछते हैं? नजरों चुप रहे। देखिए आका शर्मा गए। अजी साहब वो तो मेरी होने वाली भाभी है। भाभी। नजरों खामोश, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। अब तुम इसकी जुबान खींच लो या खाल खींच लो, बस मेरा तो काम बन गया। हुस्ना परी, बस एक ही परी रूह है जो अब तक मेरे बस में ना आ सकी, मगर अब अगर वो एक बार भी यहां आ गई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको मुझसे नहीं बचा सकती। डाल दो जिंदान में, ले जाओ इन्हें। अरे अरे भाई रहम करो। अरे तिलस्मी मोती, दिखा कि हुस्ना परी किस हाल में है। अलमजहर दम। हातिम, तेरी तस्वीर ख्यालों में बसी रहती है, इस तरह दिल की लगी आग लगी रहती है। यहाँ क्यों आ गए? जाने मन, परवाना कभी शमा से दूर रह सकता है? मैंने तुमसे 100 दफा कहा है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। खामोश। कमला किस नफरत को हसरत में बदलना भी जानता है। देख अपनी आंखों से वो मंजर जिसे देख कर तेरी रूह कांप उठेगी। देख। अलमजहर दम। कमला के जादूगर है। ये जादू नहीं है मेरी जान, हकीकत है। हकीकत
हातिम सातवें सवाल का जवाब पाने के लिए हमामबाद गर्द में आ पहुंचा है और मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इतनी जफा मत कर। हसीनाए मन, ये जफा तो तब खत्म होगी जब तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लोगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। अगर तुम हातिम को अपनी नजरों में जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ, वरना अलमदहरदम। हंसले कमला, खूब हंसले, क्योंकि तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। पकता है बेवकूफ, तुझे मारने वाला ही मुझे तबाह कर सकता है। और कमला, जादूगर से टक्कर लेना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक आने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और अगर यहाँ कोई आ गया तो फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, मेरे मुर्शिद ने मेरी मौत का राज इन तस्वीरों में खींच दिया है, जिसका मतलब मेरे सिवा और कोई नहीं मालूम कर सकता। कमला, तू जरूर अपनी मौत का राज जानता है, मगर मौत का राजदार तू नहीं। खामोश। अलगायब, अगर तेरी जान लेने से मेरी मौत ना होती तो मैं अभी तेरी गर्दन मरोड़ देता। क्यों, कैसी लग रही है हुस्ना परी की मोहब्बत? जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत और तुम्हारे सितम से ज्यादा ताकतवर। तो तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी किए देता हूँ। हाँ। तो क्या मेरी भाभी यहाँ आ रही है? तुम दोनों की मौत यहाँ आ रही है। ओ मेरे बाप रे, तो हमें ये शादी मंजूर नहीं, हम दुल्हन देखे बगैर शादी नहीं करेंगे। खामोश, गरम करो सलाखें। कमलाक, तू आंखें फोड़ सकता है मगर मोहब्बत का नूर नहीं छीन सकता। आप इसका जवाब ये सुलगती हुई सलाखें देगी। दिल से निकाल दो उस दिलबर को हातिम, जो दिल से वफादार नहीं है। मोहब्बत का मजाक न उड़ाओ कमलाक, मोहब्बत खुदा के दिल की धड़कन है। खुदा? यहाँ का खुदा मैं हूँ, लाओ सलाखें।
अरे भाई ये गरम गरम सलाखे क्यों ला रहा है? अरे हम कोई सीख कबाब है जो भूनने के लिए आ रहा है? बेवकूफ, हुस्ना अगर वफादार होती तो अब तक यहाँ आ गई होती। इश्क सादिक हो तो जी उठता है सनम पत्थर का। लब पे शैतान के बात आई फरिश्तों की। हुस्ना तू यहाँ क्यों आई? क्यों ना आती, क्यों ना आती? मेरी ही वजह से तुम पर जुल्म हो रहा है। वाह, हमारा जादू हातिम की मोहब्बत पर गालिब आ ही गया। तुम आ गई, हमारी तकदीर खुल गई। फरमाइए क्या इरशाद है? अल मजहर दम। एक आखिरी सारा तुड़ 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 था, वो भी जलकर भुरभुर भुरभुर हो गया। नादान हसीना, यहाँ तेरा नहीं मेरा जादू चलता है। और अब तक मैंने तुझ पर कोई जादू नहीं किया, इसलिए कि तू खुद ब खुद यहाँ चली आए। और तू चली आई, यही मेरा कमाल है। बेगुनाहों पर जुल्म करने से कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें आजाद कर दो। आजाद? जाने मन, एक पल भी देर करूं तो गुनाहगार। पहले मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, उधर हातिम आजाद। बोलो कबूल है? बोलो। हुस्ना, इस फरेबी की चाल में ना आना। बकवास बंद करो। बोलो हसीना, मंजूर है? नहीं नहीं। और लो इसकी आंखें। अब भी वक्त है, वरना हातिम की आंखें फिर कभी तुम्हें नहीं देख सकेंगी। हुस्ना, मोहब्बत की इस्मत मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, आंच ना आने पाए। जाओ। मौका है, वरना ये आंसू जिंदगी भर इसी तरह बहते रहेंगे। हुस्ना, खुदा के लिए अपने दिल को पत्थर बना लो। तुम्हें कसम है, मेरी मोहब्बत की कसम। या खुदा, हातिम की मदद कर। देख ले अपनी खुदाई।
पिंजरे में, पिंजरे से बाहर खंजर, खंजर। तोते को मारा, आदमी मर गया। वाह, राज मिल गया, तोते में ही कमला की जान है। जैसे कोई नहीं बच सकता, मैं खुद आज मैं तुझे खत्म करूंगा। Thank you.
साथ की जड़ है, पहले तुझे खत्म करता हूं। जज़ाकअल्लाह, हातिम ने सातों सवाल हल कर लिए। बेटी एक बार फिर सोच लो, अजमत परिजात बहुत बड़ी नेमत है। जो अजमत सच्ची मोहब्बत में है वो किसी नियामत में नहीं अब्बा हुजूर। तो जला दो अपने परों को। मैं तैयार हूं। जुल्मा, ये क्या नादानी है? शायद परिजाद, ऐसा जुल्म क्यों? जुल्म नहीं हातिम, ये हकीकत है। कोई भी परिजाद अपने परों को कुर्बान किए बगैर आदमजात से शादी नहीं कर सकता। हुक्म की तामील हो। अलमदद, इश्क हकीकी अलमदद। इश्क की आग में जलते हैं, अंगारों से कब डरते हैं, वो फूल समझ कर शोलों से हंस हंस कर खेला करते हैं। उल्फत के प्यारे जलवों में परिजादों के पर जल हैं। अल्लाह की कसम, इस जलने में इंसान ही फूलते फलते हैं। अब्बा हुजूर। बेटी मोहब्बत सलामत। हाथी वाकई तुम अपने कौल के सच्चे और ईमान के पक्के हो। इज्जत का शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें जल्द से जल्द शामी बाग पहुंचना है। हुस्ना, तुम्हारी बहन वहां इंतजार कर रही होगी। हाँ आका, इनकी बहन इनका इंतजार कर रही होगी और मेरी नरजीजा रास्ते में मेरी राह देख रही होगी। दूसरों के वास्ते जो खेलता है खुदा का, दिल रुबा सच्चाई का, हश्र तक जिंदा रहेगा नाम हातिम ताई का। जा
जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले खुदा की रहमतों का तुझ पे साया जाने वाले खुदा की रहमतों का तुझ पे साया झूमे झूमे खुशी से आसमां वो दिन है आया जाने वाले